हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी निगम कुकिंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं धनिया चटनी की रेसिपी लेके आया हूँ बहुत ही इजी तरीका से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। धनिया चटनी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम धनिया लिया है। धनिया को मैंने अच्छे से साफ कर कट करके रखी हुई है। ये 10 से 15 मैंने लहसुन कली ली है। 4 से 5 मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। 5 मैंने हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया ताकि पेस्ट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो हाफ चम्मच ही ऐड करें। नमक आप अपना अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच लिया है। 1 नींबू का रस मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसका पेस्ट तैयार करूंगी, तो उसके लिए मैंने 1 मिक्सचर ग्राइंडर लिया है। उसमें मैं धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ। तो आज चटनी बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। तो लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, तो मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ, मिर्ची ऐड कर रही हूँ, अदरक, जीरा, नींबू का रस, लेमन जूस, नमक टेस्ट के अनुसार। मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। पेस्ट में पहले दरदरा टाइप में थोड़ा सा पीसूँगी, तो मैं पीस लेती हूँ। तो देखिए दरदरा टाइप में मैंने पेस्ट पीस लिया है चटनी को। तो मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, वो है दही। 1 चम्मच दही ऐड किया है। इस दही से आपकी चटनी और भी टेस्टी हो जाएगी। तो आप जब भी धनिया चटनी बनाते हैं दही ज़रूर ऐड करें। तो मैंने 1 चम्मच दही ऐड किया है। तो देखिए चटनी मेरा तैयार हो गया। तो मैं 2 चम्मच सरसों ऑयल ऐड करूँगी, इससे आपकी चटनी और भी टेस्टी हो जाएगी। तो मेरा चटनी बनकर तैयार है। मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है। आप अपना अकॉर्डिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी चटनी में। मेरा चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। तो आप लोग अपने घर पर जरूर ट्राई करें धनिया चटनी की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगी। तो मेरा नया चैनल है दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।